बरेली के थाना सुभाष नगर के गांव तालाब किनारे युवक की लाश मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। गांव वालों का आरोप है कि कुछ लोग ताश खेल रहे थे, चीता वाले आए तो ये लोग भाग खड़े हुए। सिपाही मृतक को दौड़ाते ही रहे, भागते तालाब में गिर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आबिद हुसैन। क्या हुआ था, पूरा मामला क्या है? वहाँ पर ये थुरुक चाल खेल रहे थे बैठे हुए तीन लोग थे। वहाँ ये चीता वाले पुलिस वाले पहुँच गए, इन लोगों ने दौड़ाया, दौड़ाते दौड़ाते इतना दौड़ाया उनकी मृत्यु हो। दौड़ाया क्या कर रहे थे वो वहाँ पे? थुरुक चाल खेल रहे थे। ये कहाँ से खेल रहे थे? ये करेली। दौड़ाया बड़े कुंडे तरह। क्या नाम है जो मरे उनको? तालिब हुसैन। क्या काम करते हैं ये? तरीका। तो आपने पुलिस के ऊपर वो लगाया, आरोप लगाया है कि इनकी मौत इनकी वजह से हुई, पुलिस की वजह से? कौन कौन से पाई थे चीता, पता कुछ? ये नहीं, नाम नहीं, नाम नहीं। चौकी के चीता वाले। कौन सी चौकी? आप कौन हो जो जिनकी मृत्यु, क्या नाम उनका, जिनकी मृत्यु? एसपी सिटी का कहना है कि जांच की जाएगी, अगर किसी का दोष साबित हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। सुबह एक युवक जो है मृत अवस्था में पाया गया था और संभवतः प्रथम दृष्टया उसकी डूबने से मृत्यु ऐसा लग रहा था। उसको उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद ही उसमें जैसा कि लोग बता रहे हैं कि वो उसकी जो कल शायद उसकी डूबने से मृत्यु हुई, ऐसा लोग बता रहे हैं। परिजन आरोप लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर, पुलिस के देख के भागे थे। इसमें जो परिजनों का जो कहना है और जो गांव अन्य जो गांव वाले हैं उनका जो कहना है उसमें विरोधाभास है, और जो अन्य जो गांव वाले उनका ये कहना है कि ये भाग रहा था उसी दौरान इसकी डूबने से मृत्यु हुई।